है जिसका आपको पता है कि वो आपने कुछ जाकर जो आपके लिए पसंद होता है आप उनकी तरफ बाइक हो गए आपको पता है कि जी आपको पता है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो उनकी बात आपको फिगर करेंगे और आप उनकी शेयर करेंगे तो ये बेटर है कि आप उनको छोड़ दें या फिर आप अपना लीडर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए बेटा एक चीज आप समझिए, छोड़ने का ऑप्शन इतनी आसानी से हमारे जहन में नहीं आना चाहिए। आप मैं बताता हूँ, मैं समझ गया वो आपको स्पॉइल कर रहा है। अब इसमें सिर्फ ये किया जाए, बाज़ औक़ात हम थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते हैं, यानी बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम बिल्कुल, यानी कुछ लोग हो सकता है कि आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपका एक मिजाज है, आपका एक ज़ौक है, आपकी एक आपके अपने कुछ इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है, किसी और लड़की के कुछ और हैं, ठीक है। अब आपके शौक, आपकी दिलचस्पियाँ और उसके शौक और उसकी दिलचस्पियों में फ़र्क है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर अपने से मुख्तलिफ बंदे के साथ ताल्लुक बनाने की कैपेसिटी जिंदा रहनी चाहिए। तो हम एक सवाल अपने साथ ये करें और लिखें इस सवाल को। सवाल ये है कि मैं ऐसे कितने बंदों के साथ एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक लेवल ऑफ रिलेशनशिप में हूं, दोस्तों में, जानने वालों में, जो मेरी सोच, मेरे स्टाइल, मेरी पर्सनल, मेरे इंटरेस्ट से उनका इंटरेस्ट मैच नहीं करता। यानी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ना, मैं फला मसलक, हमारी फैमिली फला मसलक को फॉलो करती है, वो फला मसलक, लेकिन आई हैव वेरी गुड टर्म्स विद देम। बात समझ आ रही है? मैं, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को गलत समझते हैं उससे जो बंदा मोहब्बत करता है उस बंदे से भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। मैं एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस बता रहा हूं। ये कैपेसिटी हमारे अंदर जिंदा होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि ऐसा चलेगा, जिंदगी ऐसी होती है, रिलेशनशिप रब्बे करीम की तरफ से इस दुनिया में जो टेस्ट है ना हमारा, उसकी शक्ल है रिलेशनशिप। असल जो टेस्ट है वो रिलेशनशिप है, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, अब्बा जान, अम्मा जान, दादा जान, खाला जान, मामू जान, भाई बहन, इनसे रिलेशनशिप, मतलब बड़ा गुना है उस रिलेशनशिप को खत्म करना, बड़ा गुना, छोटा गुना की बात नहीं कर रहा, बड़ा कबीरा। तो अब लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल ही आप की शख्सियत, आपकी प्रॉब्लम हो रहा होता है, कोई हर्ट कर रहा होता है, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप बहुत मोहब्बत और पोलाइटनेस के साथ रिस्पेक्टफुली उसे कम्युनिकेट कर दें। आप थोड़ा सा रिलेशनशिप बचाने के लिए थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें, लेकिन रिलेशनशिप खत्म करने का ऑप्शन जहन में नहीं, मतलब इस ऑप्शन को खत्म करने की जरूरत है। जब हम इस ऑप्शन को निकाल के सोचते हैं ना, तो हमारी क्रिएटिव पोटेंशियल एक्सरसाइज होता है और हम कोई सोल्यूशन सोचते हैं। ये बात क्लियर हो रही? मैं लोगों को जानता हूं, इंतहाई मुश्किल किस्म के बॉस के साथ 17 साल से जिंदा है, जॉब कर रहा है, और उससे कम मुश्किल अब्बा जान या उससे कहीं आसान फैमिली में कोई और स्पाउस या किसी और के साथ निभा नहीं कर रहा। मैं ऐसे कई केसेस को जानता हूं, जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं देखो जितना लेवरेज तुम किसी गैर को दे रहे हो उससे ज्यादा तो तुम्हें अपने घर में जो बंदा है उसको तो देना चाहिए ना। मतलब वो तुम्हें पब्लिक में इंसल्ट कर रहा है और तुम 11 साल से जॉब कर रहे हो सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें पैसे चाहिए। मतलब वो जाहिर सी बात है तुम्हारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, लेकिन ठीक है अब्बा जान आइडियली उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, दे मस्ट बी रिस्पेक्टफुल और स्पाउस भी रिस्पेक्टफुल हो, सब लोग ठीक हो। क्लियर हो रही बात? जो लोग आपको तंग कर रहे हैं ना, वो जानबूझ के तंग नहीं कर रहे। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है इंटेंशनली मुझे सताने के लिए ऐसे करते हैं, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं कोई सताए किसी को। बस इसमें जो वो, जैसे हमारे एक भाई ने कहा ना कि इंसान बुरा नहीं होता, नेचर के बारे में भी ये नहीं सोचें कि उसकी नेचर ऐसी है, बस ये कहें बस ठीक है, समहाउ उसे भी नहीं पता, वो इस तरह कर जाता है। आप बहुत पोलाइट मैनर में उसे ये बता सकती हैं कि आपका ये अमल जो है ना, मुझे जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। आप ये कह सकते हैं, ये बात आप अपनी वालदा और वालिद को भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी हिकमत चाहिए, बहुत हिकमत चाहिए।
पहली बात तो ये, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो चेंज हो जाएंगे, वो आपकी वालदा और आपके वालिद हैं, ठीक है, किसी बच्ची के सास और ससुर भी हो सकते हैं, चेंज मतलब ये कैसे हमने सोच लिया कि वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात हम उन्हें कोई बात बता सकते हैं, कैसे बतानी है, किस सिचुएशन में बतानी है, आर्ग्यूमेंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए बतानी है, हैप्पी मोमेंट के अंदर किसी, उसको पहले से सोचना है कि मैं किसी मौके पे हल्के फुल्के अंदाज में इसको ऐसे कहूंगी और वो बुरा ना माने, इसके ऊपर पूरी वर्किंग करके फिर मतलब एक बहुत सेफ शॉट आप खेलेंगे। होता क्या है कि अभी उसने कोई बात कही, इधर ठक से हमने उधर ही डाइनिंग टेबल पे सुबह नाश्ते में ही हमने उन्होंने एक बात कही, हमने भी दो बातें कही, तो वो होता है लड़ाई। क्लियर हो रही? इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, इसको सोचना भी चाहिए कि वो, एक एनालिसिस ये भी करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, मतलब तो इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो सिचुएशन में क्या करें?